गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए भाजपा एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मोहद्दीपुर स्थित रफी अहमद के दुबई इंटर कॉलेज में पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा है, जो युवा बेरोजगार हैं उनके प्रतिभा के आधार पर सरकारी नौकरी में जाने का अवसर प्रदान करना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मांगों को पूरा करेंगे। इसके अलावा उनके आवाज को सदन में उठाया जाएगा और उनके लिए सरकार से ज्यादा नौकरी देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव स्नातक वर्ग का है चुनाव है और स्नातक वर्ग पूरा हमारे साथ है, इसलिए हम पूरे प्रदेश के 5 सीटों पर सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, नीरज का ही फोटो लगेगा। अरे भाई बीच सामने मत आया नहीं, बैठ जाओ नीरज, तुम नीचे बैठ जाओ। हेलो, तुम क्यों नीरज बका? मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर शासकीय सेवाओं में जाने का अवसर मिले और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस काम को सुनिश्चित करेगी। स्नातकों और शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि शासकीय सेवाओं में जाने का अनुकूल अवसर मिले, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलें।